ये है ग्राम गवल जो कि खरगोन जिले के विधानसभा क्षेत्र भिकनगांव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चोड़ी मुहाली के अंतर्गत आता है। कई सालों से इस गांव की जनता यहां आने वाले नेताओं अधिकारियों से एक ही मांग करती आ रही है कि गांव में घरेलू उपयोग के लिए पानी आसपास के गांवों की तरह यहां पर भी पानी उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन आज तक यहां सूखे हैंडपंप के अलावा कुछ दूसरी सुविधाएं नहीं मिली है। हैंडपंप पूरे ख़राब हैं, दो हैंडपंप चलते वो भी 70-80 बार हैंडपंप खींचो तब जाकर लगभग 5 लीटर पानी निकलता है, जबकि गांव की आबादी 800 के आसपास है। लॉकडाउन के बार बार हाथ धोने के लिए सरकार जागरूकता चला रही, लेकिन इस गांव में तो हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी नहाने की बात तो छोड़ो, ढंग से खाना बनाने और पीने के पानी नसीब नहीं होता। 2 से 3 किलोमीटर से पानी लाने को विवश होना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें बूढ़े महिलाओं, बीमार और दिव्यांग लोगों को उठानी पड़ रही। न कोई नेता ध्यान दे रहा है और ना कोई अधिकारी कर्मचारी पंचायत कर्मचारियों को समस्या बताने पर आगे से फंड नहीं आने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। गाँव वाले पिछले कई वर्षों से पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन वे गाँव वालों की इस बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं। HTN24 न्यूज के लिए फरीद शेख की रिपोर्ट। क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की, पानी नहीं मिलता, 3 साल से अला कर रहे हैं यहाँ, पानी खाई नहीं है, कहाँ से पानी ला जा करते करते कुआ नफर जावा तो पानी नहीं, कोई तोरू नाग देता, कोई काकड़ा लगा देता तो खेत वहां से निकलना नहीं दे, तो खाली वासन दिन पहुंचा और परेशान छाम होते। अच्छा, तो आप लोग सरपंच मंत्री को ये बात बता चुके? कहीं तिनका असर नहीं है, खाई पीन ने दूर सर की गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HTN24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।